Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुनिया में। मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि टाइल्स की जो फ्लोरिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो टाइल्स फ्लोरिंग में किस तरह की चेकलिस्ट हमें देखनी होती है, प्री टाइलिंग और पोस्ट टाइलिंग में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, इसके बारे में कंप्लीटली आज जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों चलते सबसे पहले प्री टाइलिंग चेकलिस्ट में। तो प्री टाइलिंग चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है, हैज द सरफेस बीन प्रिपेयर फॉर टाइलिंग, कि जो सरफेस है हमारी उसको हमने प्रिपेयर करा है नहीं, कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा। देन आफ्टर की बात करूं तो इज द सरफेस स्मूथ फ्री फ्रॉम डस्ट एंड अदर कॉन्टेमिनेशन, कि जो सरफेस है उस पर किसी भी तरह का डस्ट तो नहीं है या अलग तरह का कोई कचरा तो नहीं है जो हमारे मोर्टार के साथ मिलकर उसको नुकसान पहुंचाए, इसलिए हमें पहले ही यहां पर चेकिंग करनी होती है। प्री टाइलिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, इफ द सेरेमिक टाइल आर यूज्ड, देखिए सेरेमिक टाइल क्या होता है और विट्रीफाइड टाइल क्या होता है, कि विट्रीफाइड टाइल में वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही ना के बराबर होता है, लेकिन अगर हम सेरेमिक टाइल की बात करूं तो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण से जब भी आप सेरेमिक टाइल लगाएं कम से कम मिनिमम 30 मिनट तो आपको उसको पानी में डुबा के रखना ही होगा, और मैक्सिमम केसेस में तो आप ऐसा कीजिए कि रात में ही टाइल को पानी में डुबा के छोड़ दीजिए और अगले दिन आकर मॉर्निंग में टाइल को प्रोवाइड करिए, जिससे जो मोर्टार बेड आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको किसी भी तरह का इफेक्ट ना करे आपके सेरामिक टाइल, इसलिए पहले ही आपको चेकिंग करनी चाहिए। प्री टाइलिंग चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद आपको हैज द थिकनेस ऑफ मोर्टार, जो आप मोर्टार की थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको चेक करना है, कि मोर्टार की थिकनेस आपने जो प्रोवाइड किया वो सफिशियंटली है भी या नहीं। अगर हम बात करें फ्लोर टाइल में जो मैक्सिमम केसेस में ऑन एन एवरेज देखा जाता है 20 mm का आपको मोर्टार बेड चाहिए वहां पर, कि 20 mm का मोर्टार प्रोवाइड किया है या नहीं किया आपने, ये चेकिंग करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, आपको चेक करना रहेगा कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर। प्री चेकिंग के दौरान टाइल लगने से पहले आपको ये सब चीजें चेक करनी रहेंगी। आर द टूल्स रिक्वायर्ड एट साइट, मतलब कि आपके साइट पर ये सभी टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये आपको पहले से इंश्योर करना होगा। ये सभी टूल्स जरूरत लगती हैं आपके टाइलिंग के दौरान, जब भी आप टाइलिंग वर्क एग्जीक्यूट कराते हैं अपने साइट पर। इसके अलावा आर देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ टाइल, की क्योंकि टाइलिंग जब लगाते हैं ना तो क्लाइंट को क्या चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो जैसा चाहता है डिजाइन पैटर्न चाहिए उसको, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली रहना उसको ही है। तो उसके अनुसार वहां पे अनुमति मिल गई आपको या नहीं, परमिशन मिल गई एग्जीक्यूट कराने की या नहीं आपको, ये आपको पहले प्री टाइलिंग के दौरान चेक करना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है उसने आपको अप्रूवल दिया नहीं इस डिजाइन पैटर्न की या इस साइज की, क्योंकि साइज भी अलग अलग आते हैं टाइल्स के यार, 1 फिट बाय 1 फिट, 1 फिट बाय 1.5 फिट, 2 फिट बाय 2 फिट, ये अलग अलग टाइल्स के साइजेस हैं। क्या उस क्लाइंट सेटिस्फाई है उस साइज से, या उस वो क्लाइंट सेटिस्फाई है उस डिजाइन से जो उस टाइल पर प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। इसके अलावा हैज द टाइल कोड नंबर एंड टाइल नेम एनश्योर्ड, देखिए ध्यान से समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइल की क्वांटिटी कभी भी कम नहीं मंगवाई जाती यार, क्यों, क्योंकि आपने यदि एक बार टाइल को परचेज किया और बाद में यदि 2 या 4 टाइल या 6 टाइल कम पड़ गया साइट पर, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है यार, अगर आप दोबारा से टाइल परचेज करो हो सकता है सेम कंपनी सेम पैटर्न सेम साइज का आप मंगा रहे हो, लेकिन हो सकता है डिजाइन पैटर्न में कुछ ना कुछ कमियां आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए एक बार में ही टाइल की क्वांटिटी पहले कैलकुलेट कर लो, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स के क्वांटिटी सर्वे में हम सिखाते हैं टाइलिंग पार्ट, कि टाइल के किस तरह से आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, उसका रेट एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों कौन सी स्किल चाहिए जो आपको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो दोस्तों यहां पर समझते हैं हम प्रैक्टिकल स्किल्स। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स में कंप्लीटली पता होना चाहिए एस्टीमेशन, बिलिंग इंजीनियरिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ये सारा पार्ट आपको आना ही चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सब पार्ट आना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो ये सारे पार्ट आपको जब भी आने चाहिए। क्योंकि देखिए एस्टीमेशन में आप पूरा बिल्डिंग का बजट निकालना सीखते हैं, कि बिल्डिंग में किस तरह से बजट निकाला जाता है, हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, और साथ में ड्रॉइंग को कैसे पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट CPWD की स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ये इस कंप्लीट एस्टीमेशन में पढ़ाया जाता है। बिलिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट बिलिंग इंजीनियर की रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, रिकंसिलिएशन, प्राइस एस्केलेशन, इसके अलावा गवर्नमेंट बिलिंग कैसे करते हैं, बिल्डर्स बिलिंग कैसे करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स ही आपको आगे बढ़ाएगी। क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस में आपको कंप्लीट बिल्डिंग का मटेरियल की क्वांटिटी निकालना और एक एक आइटम के बारे में आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए, ये रेट एनालिसिस में आपको जो आपके स्किल्स आगे बढ़ाएगी आपकी लाइफ में। साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को रीड आउट करके उसमें
उसमें बिल ऑफ स्टील निकालना, ये कंप्लीटली स्किल्स आप लोगों को आनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको या तो एक बेहतर जॉब दिलाएगी या आपको एक ग्रोथ दिलाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में आपको पता होना चाहिए किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या किस तरह के बिड टेबुलेशन शीट में हम टेंडरिंग पार्ट को समझते हैं, ये कंप्लीट आपको आना चाहिए। साथ के साथ दोस्तों यहां पे कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आप सभी लोगों को एक स्किल्स आनी चाहिए जिससे आप लोग एक बेहतर जॉब और बहतर ग्रोथ ले सकते हैं, वो है ऑटोकैड, रैबिट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, इसके अलावा ईटेप सॉफ्टवेयर, रेज्यूमे मेकिंग। ये सारा पार्ट आप सभी लोगों को, जितने भी सिविल इंजीनियर्स यहां पर जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, आपको और आपके कलीग्स या आपके साथ में पढ़ने वाले वो सभी इंजीनियर्स को आना चाहिए जो अपने कैरियर को सिविल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे ऑटोकैड की बात करूं तो इसमें आपको वास्तु प्लानिंग आनी चाहिए, खाली बॉक्स बनाने से काम नहीं होने वाला, वास्तु प्लानिंग और आपको कंप्लीट प्लानिंग की जानकारी होनी चाहिए। साथ में रैबिट आर्किटेक्चर और गूगल स्केचअप जिसमें 3D एलिवेशन की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, जानकारी ही नहीं दोस्तों आपको कंप्लीट करना आना चाहिए, खुद से आप बनाएंगे यहां पर 3D एलिवेशंस को। साथ में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आपको पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग और कैश फ्लो रिपोर्ट जनरेट करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सीखना ही होगा। साथ में रेविट ईटैप सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, यदि आप स्ट्रक्चर्स की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर ईटैप भी आपको सीखना होगा। और साथ में यदि आप रेज्यूमे मेकिंग, क्योंकि रेज्यूमे मेकिंग के बिना तो हम आगे अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको रेज्यूमे मेकिंग, क्योंकि आपने इतना सारा पार्ट सीख लिया लेकिन एक बेहतर रेज्यूमे में ही आपको जॉब दिलाता है, ये सारा पार्ट ही आपको आगे लेकर जाएगा। दोस्तों इन सभी पार्ट में जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए सिविल डूजी लेकर आए हैं कॉप्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स जो कि ऑनलाइन मोड पे चलता है, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो कि ऑफलाइन मोड पे चलता है। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स की तो करीबन 60,000 रुपए का कोर्स है यार ये। लेकिन यदि आप गुरुजी कूपन कोड यूज करते हैं, लास्ट वीक चल रहा है गुरुजी कूपन कोड का, इसके बाद गुरुजी कूपन कोड काम नहीं करेगा, यदि गुरुजी कूपन कोड यूज करते हैं तो ये 60,000 रुपीज का कोर्स, 60,000 रुपए का कोर्स आज आपको मिलेगा मात्र 14,847 रुपए का, केवल आज और ये पूरा वीक ही ये आपको इस कोर्स में एनरोल करा पाएगा। साथ में दोस्तों अभी एक और फायदा आपको मिल रहा है, यदि आप कॉप्स में जुड़ने के बाद यदि ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 47,200 फीस नहीं देनी होगी, आपको 60% ऑफ मिलेगा, 60% का आपको फायदा मिलने वाला है। साथ में दोस्तों इतना ही नहीं, गुरुजी इस हफ्ते आपको प्रोवाइड करा रहा है, यदि आप कोर्स में एनरोल करते हैं आज ही तो आपको दोस्तों मिलने वाले हैं कुछ और सॉफ्टवेयर जो कि है स्टैट प्रो, 3DS मैक्स, प्राइमावेरा, DPR और जॉब डिटेक्टिव कोर्स बिल्कुल फ्री, जो कि आपको ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा केवल आज के लिए। इफ यू टेक कॉप्स टुडे, यदि आप कोर्स में आज जुड़ते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं गुरुजी की तरफ से, तो यूज करें कूपन कोड गुरुजी। तो आप पहले ही सब चीजें एंश्योर करनी चाहिए आपको साइट पर, चेक ड्यूरिंग टाइलिंग, अब टाइलिंग हो रही है, प्री टाइलिंग हमने समझान लिया, अब टाइल हो रहा है साइट पर, अब क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है, हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ये जो लेवल है नहीं, कि एक टाइल से दूसरे टाइल के बीच का जो लेवल है वो है या नहीं, ये हमें सबसे पहले चेक करना रहेगा। इसके अलावा हैज स्लोप बीन प्रोवाइडेड, आपने वहां पर स्लोप प्रोवाइड किया है नहीं है, किया, यदि स्लोप प्रोवाइड नहीं किया तो वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको टाइलिंग के दौरान ये चीजें चेक करनी होगी। पहले ही आपको वाटर लेवल से मार्किंग कर देना है जिससे आप इंश्योर कर सके वहां पर स्लोप अवेलेबल है या नहीं, वरना बाद में क्या होगा कि वाटर का फ्लो नहीं हो पा रहा है और टाइल पर ही पानी जमा हो गया, इसलिए पहले आपको ये सब चीजें चेक करनी है। इसके अलावा हैव द टाइल बीन जनरली टैप्ड आफ्टर लेइंग द मोर्टार बेड, आपको क्या करना है, क्या होता है जब हम मोर्टार प्रोवाइड कर दिया, मोर्टार के ऊपर टाइल लगा दिया हमने, और टाइल लगाने के बाद मोर्टार यूनिफॉर्मली चारों तरफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके लिए आपको वुडन हैमर से क्या करना होता है, उस पर रैम करना पड़ता है जिससे सभी जगह पे यूनिफॉर्मली मतलब एक समान मोर्टार टाइल के नीचे आ जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे टैप्ड करवाना पड़ेगा वुडन हैमर से। फर्स्टली हमने जाना कि प्री टाइलिंग, सेकेंडली हमने जाना कि टाइलिंग होने के दौरान, अब जानेंगे टाइलिंग होने के बाद क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, हमें चेक करना पड़ता है the joints been clean to remove loose mortar, कि जो joints हैं वहां पर हम फिल कर दे, क्योंकि देखो आपने अभी आपने ध्यान दे होगा स्टार्टिंग में थे हम, तो स्टार्टिंग में जब टाइल्स हम प्रोवाइड कर रहे थे तो यहां पर एक स्पेसर दिया गया था, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक स्पेसर दिया गया है, ये स्पेसर के कारण यहां पर कुछ गैप जनरेट हो जाता है, करीबन 5 से 5 mm का गैप जनरेट हो गया यहां पर, ये 5 mm को हमें फिल करवाना है, किससे फिल कराना है, यहां पे जो हमारा मोर्टार है ये मोर्टार से फिल कराना होगा हमें। तो चलते हैं वापस,
तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो फिल करवा रहे हैं हम किसको, लूज मोर्टार से, जिससे वहां पर भी पकड़ बना ले हमारा टाइल, इसलिए यहां पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा पोस्ट चेकिंग, अभी बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नो हॉलो साउंड। जब भी टाइल पर जाकर देखते हैं, जब भी चेक करना हो, जब भी एग्जीक्यूशन टीम आती है चेक करने के लिए, तो क्या करते हैं टाइल पर हम रैंप करके देखते हैं, एक ठोक कर देखते हैं कि क्या यहां पर किसी तरह का साउंड तो नहीं आ रहा, हॉलो साउंड तो नहीं आ रहा। यदि हॉलो साउंड आ रहा है तो टाइल ब्रेक होने की संभावनाएं हैं। ये चेकिंग के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान चेक करना होता है हमको। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा हो गया तो आपको यहां पर एक इंजेक्ट करवाना पड़ता है मोर्टार को केमिकल्स के साथ, जिससे यहां पर किसी भी तरह का हॉलो साउंड ना आए, क्योंकि ये क्लाइंट जब भी आएगा सबसे पहले यही चीज चेक होती है कि हॉलो साउंड तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हैज इट बीन एंश्योर्ड दैट ग्राउंडिंग इज ओनली डन आफ्टर 24 आफ्टर ऑल लेइंग ऑफ टाइल। ग्राउंडिंग मतलब कि जो आपने प्रोवाइड किए टाइल्स, तो उनके बीच में यहां पर हम जैसे पीओपी भी होता है, पीओपी यहां पे फिल करा सकते हैं, जिससे टाइल इजीली डिस्प्लेस ना हो, मूवमेंट ना हो, या और वहां पर टाइल इजीली यहां पर जॉइंट्स फिल कर दें, इसलिए फिलर का काम करता है आपका पीओपी वगैरह, यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे हैज द एरिया बीन बैरिकेटेड, क्या आपने एरिया को बैरिकेड किया है सो एज नॉट टू अलाउ फुट मूवमेंट, किसी भी तरह का फुट मूवमेंट नहीं आएगा जब तक 24 घंटे तक, जब तक वहां पर टाइल इजीली अच्छे से पकड़ वहां पर बना लिया है। तो दोस्तों अभी हमने कंप्लीटली जाना कि टाइलिंग होने से पहले क्या चेक करना है, टाइलिंग होने के दौरान क्या चेक करना है, और टाइलिंग होने के बाद क्या चेक करना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुजरात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।